नेक्स्ट, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. अज्यूम द एंट्रोपी एस फॉर वाटर इज जीरो एट जीरो केल्विन. ठीक है. स्केच अ ग्राफ ऑन द एक्सिस टू शो हाउ एंट्रोपी चेंजेस फॉर वाटर बिटवीन जीरो केल्विन एंड 300 केल्विन. तो इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है. लेकिन अगर जीरो डिग्री की भी बात करें, जीरो डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर जिसमें वाटर अपने स्टेट चेंज करता है सॉलिड टू लिक्विड, और जीरो डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन है. तो इसमें ये जो इन्होंने स्केच ग्राफ दिया है, इसमें तकरीबन 273 पे चेंज ऑफ स्टेट होगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, यहाँ पे स्टेट चेंज होगा और टेम्परेचर के बढ़ने से जो है देयर इज अ नेट गेन इन एंट्रोपी. तो जीरो से लेके 273 तक हम लोग एक कंटिन्यूस इंक्रीजिंग लाइन बनाएंगे. फिर ये जंप जो है ये चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसके बाद हम लोग फर्दर इंक्रीज शो करेंगे अप टिल 300. तो ये हमारा स्केच ग्राफ हो जाएगा ऑफ हाउ द एंट्रोपी चेंजेस फॉर वाटर बिटवीन 0 केल्विन एंड 300 केल्विन. स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ये आपका स्केच ग्राफ हो गया. नेक्स्ट, प्लेस वन टेक इन ईच रो ऑफ द टेबल टू शो द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस. क्या बोला है? सॉलिड डिजॉल्विंग इन वाटर. व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन वाटर इट टर्न्स टू एक्वस. दैट मींस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव. वाटर बॉइलिंग टू स्टीम. वाटर बॉइलिंग टू स्टीम इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, सो एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव. दोनों में जो आप टिक का साइन डालोगे वो एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव में डालोगे, बिकॉज एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस एंड एंट्रोपी डिक्रीजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड. नेक्स्ट, द इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस मिथेनॉल इज शोन. यूज रेलिवेंट बॉन्ड एनर्जीज फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस गैस फेज रिएक्शन. ठीक है, डेटा बुकलेट से हम लोगों को वैल्यू चाहिए होंगी. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं. तो रिएक्टेंट्स में CO2 है तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये CO2 हो गया, प्लस 3H2O, तो 3 × हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट्स हो गए. प्रोडक्ट साइड पे आपके पास CH3OH, CH3OH, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल CH3OH का, प्लस H2O, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल H2O का. ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ चाहिए 2 carbon oxygen बॉन्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 hydrogen सिंगल बॉन्ड्स, ये डेटा हमें चाहिए. प्रोडक्ट साइड पे क्या चाहिए? 3 CH सिंगल बॉन्ड्स, 1 CO सिंगल बॉन्ड और 3 OH सिंगल बॉन्ड्स, ये हमें डेटा चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए. तो इसके लिए हमें अपनी डेटा शीट को रेफर करना होगा. तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड में, उसकी वैल्यू है 805. तो ये हो जाएगा 2 × 805. और दिस गिव्स 1610. 3 HH बॉन्ड जो है, HH बॉन्ड की वैल्यू 436 है, तो 3 × 436, तो 3 × 436 हमें देगा 1308. ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट साइड पे 3 CH बॉन्ड की एनर्जी 410 है, तो 3 × 410 विल गिव अस 1230.
एक सी सिंगल बॉन्ड ओ है, इसकी वैल्यू 360 है, और तीन ओ एच बॉन्ड्स हैं, ओ एच बॉन्ड की वैल्यू 460 है. तो 3 × 460 विल गिव अस 1380. अब हमें इनका सम टोटल निकालना है. तो 16 10 + 13 0 8 16 10 + 13 0 8 इज इक्वल टू 29 18. 2 9 1 8 माइनस प्रोडक्ट्स माइनस होंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट्स का सम टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 30 + 360 + 13 80. इसका सम टोटल है 29 70. तो माइनस 29 70. तो जब माइनस करेंगे 2 9 1 8 माइनस 29 70 विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ -52 kJ/mol. सो यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी डेटा हमारा जो एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन आया है वो है -52 kJ/mol. नेक्स्ट, एट 298 Kelvin बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर लिक्विड. ठीक है, डेल्टा एच इसका है -131. ठीक है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज आर शोन इन द टेबल. ठीक है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन. द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या है? CH3OH, तो इट विल बी 127 प्लस वाटर इज 70 माइनस रिएक्टेंट्स क्या है? CO2 इज 214 प्लस H2 इज 131 × 3. जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -410 J/Kelvin/mol. और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -410. यानी देर इज ए नेट लॉस ऑफ एंट्रोपी व्हेन दिस रिएक्शन अकर्स. ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड भी हो रहा है और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स भी हो रहे हैं. दोनों कंडीशन जो है वो एंट्रोपी चेंज को डिक्रीज करती है. नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 Kelvin. तो इसके लिए हमें एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंज चाहिए, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में. यहाँ पे लिखा हुआ है -131 kJ/mol चेंज इन एंथैल्पी एंड -410 J/Kelvin/mol इज अ चेंज इन एंट्रोपी. तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट. ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट -131 माइनस टी 298 इंटू डेल्टा एस नॉट -410/1000. तो जब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -8.82 kJ/mol. क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो अंडर द गिवन कंडीशन जो के 298 Kelvin है, इट इज स्पॉन्टेनियस या फीजिबल. डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फीजिबल होगा, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा. प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन फीजिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन. अच्छा, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है. तो माइनस इनटू माइनस बिकम्स प्लस. तो जो टी की वैल्यू है यहाँ पे, अगर ये छोटी रहेगी तो हमारे जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने येलो बॉक्स में डाला है, ये वैल्यू जो है वो उसकी पॉजिटिव जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा और ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी. इन्होंने बोला है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर.
इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. जब इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो डेल्टा जी विल बिकम मोर पॉजिटिव. व्हेन इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, फिजिबिलिटी कम हो जाएगी. तो ये चीज़ अब इन वर्ड्स लिखते हैं. प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी वुड बिकम लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव. दस द रिएक्शन वुड बिकम लेस फीजिबल. रिएक्शन लेस फीजिबल होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा. नेक्स्ट, सम वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपीज आर गिवन इन द टेबल. डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म एंट्रोपी. इट इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. यूनिट्स और जूल्स पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट, हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लोरामाइन एंड अमोनिया एज शोन. क्लोरामाइन इज NH2Cl और अमोनिया NH3. इससे N2H4 बनेगा प्लस HCl. कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन. अब हमारे पास टेबल जो है वो इस वक्त डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हमें ये रिएक्शन याद रखना है. रिएक्शन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ टेबल है, वहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. ठीक है ना? रिएक्शन क्या है? क्लोरामाइन प्लस अमोनिया गिव्स हाइड्रोजन प्लस HCl. तो लेट्स गेट बैक टू द टेबल. सो हियर इज आवर टेबल. और अब यहाँ पे हमारे पास नीचे इक्वेशन भी दी हुई है और डेटा जो है टेबल में. तो सबसे पहले एंट्रोपी चेंज पूछा था, तो एंट्रोपी चेंज निकालते हैं. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो N2H4 की वैल्यू है 237. तो प्लस 237 प्लस HCl की वैल्यू जो है वो है 187. इसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट्स. NH2Cl की वैल्यू है 241. तो प्लस 241 प्लस आपका जो अमोनिया की वैल्यू है वो है 198. तो 198 इसका जो सम टोटल होगा वो हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन होगा. और एंट्रोपी चेंज जो अदर रिएक्शन जो हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है -15 जूल्स पर केल्विन पर मोल. तो एंट्रोपी चेंज हमने कैलकुलेट कर लिया. अब एंथैल्पी चेंज पूछा है. एंथैल्पी चेंज के लिए हमें बॉन्ड नेबर साइकिल बनानी होगी. तो NH2Cl प्लस NH3 गिव्स N2H4 प्लस HCl. ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ये X है, सारे के सारे फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन. फॉर्मेशन 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 एंड फॉर्मेशन. तो वैल्यूज NH2Cl की है +80.1, अमोनिया की है -45.9. N2H4 की +95.4 और HCl की है -92.3. तो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल गो डाउन, देन वी विल गो अप. तो इसके लिए X विल बी इक्वल टू -80.1 क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, +45.9 क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, +95.4 क्योंकि सेम डायरेक्शन है, -92.3 क्योंकि सेम डायरेक्शन है. सो दिस विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ -31.1 किलो जूल्स पर मोल.
तो एंट्रोपी चेंज आया 15, यानी पॉजिटिव 15, नेगेटिव 15, सॉरी नेगेटिव 15 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। और जो एंथैल्पी चेंज आया है वो है नेगेटिव 31.1 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एच नॉट हो गया -31.1, माइनस टी हो गया 298, डेल्टा एस नॉट हो गया -15 डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी -26.6 किलो जूल्स पर मोल। ये हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई और इसको हम यहाँ लिख देंगे -26.6। ओके, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डेल्टा जी नॉट व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स लेस फीजिबल एट हायर टेम्परेचर्स। देखो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। और टी जो है, अगर उस इन्होंने बोला कि बिकम्स लेस फीजिबल एज टी इंक्रीजेस, व्हेन टी इंक्रीजेस तो मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस बढ़ेगा, इसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये पूरा मिलके बन जाएगा पॉजिटिव। तो टी बढ़ाने से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू जब बढ़ेगी तो हमारा डेल्टा जी नॉट जो है वो लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव होते जाएगा। तो ये चीज़ अब इन वर्ड्स एक्सप्लेन करनी होगी यहाँ पे। इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। दस द रिएक्शन बिकम्स लेस फीजिबल या स्पॉन्टेनियस। हायर टेम्परेचर्स इस तरीके से आपके जो फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन है वो डेल्टा जी से आप बता सकते हो, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आप देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिएक्शन हायर टेम्परेचर पर फिजिबल होगा या नहीं होगा।